हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के मौसम पूर्वानुमान की कि आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के किन किन जिलों में होने वाली हैं भारी बारिश की गतिविधियाँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो में सर्वप्रथम बात करते हैं संपूर्ण भारत पर बने मौसमी सिस्टमों के बारे में बात करें तो एक लो प्रेशर एरिया राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों से सटे मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर केंद्रित हैं और एक अन्य लो प्रेशर एरिया की बात करें जो वर्तमान में देखा जाए तो भुवनेश्वर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में केंद्रित हैं। मानसून ट्रफ की बात करें तो वर्तमान में जैसलमेर से होते उदयपुर, रतलाम, इंदौर, नागपुर, मंदसौर, रायपुर से भुवनेश्वर तक बनी हुई है। मानसून ट्रफ की वर्तमान में ये स्थिति है और वर्तमान में मौसमी सिस्टमों की बात करें तो आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार राजस्थान सहित उत्तरी तराई वाले इलाकों में पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंच रही है, जिस कारण से इन क्षेत्रों में आने वाले समय में बारिश की गतिविधियाँ आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। विशेषकर देखा जाए उत्तरी भारत के तराई इलाकों में देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। एक ट्रफ की बात करें जो वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान के पश्चिमी से सटे पाकिस्तान पर केंद्रित हैं, जिस कारण से राजस्थान के पश्चिमी जो पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे इलाकों में इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज चौकी भारी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के अंदर संभव है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से आने वाली नम हवा का प्रभाव राजस्थान के सभी भागों पर देखने को मिल रहा है और ट्रफ के कारण इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। आने वाले 24 घंटों की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भागों में मध्यम से तेज तो कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। विशेषकर देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के किन किन जिलों में बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। मध्य राजस्थान की बात करें तो पाली, अजमेर, नागौर, जोधपुर के कुछ भाग, सीकर, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में आज कमी रह सकती है। हो सकता है इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में हल्की कमी देखने को मिले, परंतु पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर सभी जिलों में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के अंदर आपको मध्यम से तेज तो कहीं कहीं क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के अंदर देखने को मिल सकती हैं। उत्तरी जिलों से शुरुआत करें तो गंगानगर के आसपास देखा जाए करनपुर, पदमपुर, सादुलसर, अनूपगढ़, घरसाना, विजयनगर, सूरतगढ़ के सभी क्षेत्रों में आने वाले समय में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। बीकानेर के उत्तरी इलाकों में देखा जाए तो बैरियावाला, सत्रगढ़, खाराबारा, देवासर, जसवंतसर, महाजन, सादुलाई, सत्रगढ़, मोतीगढ़ के आसपास देखा जाए तो पोंगल मध्यम से तेज तो इन क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के अंदर संभव हैं। लूण, करनसरट, श्री डूंगरगढ़, कोलायत, बीकानेर शहर से लेकर नोका, पश्चिम देखा जाए रंजीतपुरा, खाजुवाला तक मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ बीकानेर के कई इलाकों में भी देखने को मिल सकती हैं। हनुमानगढ़ की बात करें तो पीलीबंगा, टीबी, सांगरिया, आरावसर, भादरा, नौहर के आसपास देखा जाए रानीसर, कानसर, पुलुपुलु, पांडुसर और अनूपसर के आसपास देखा जाए तो इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। शुरू की बात करें तारानगर, राजगढ़, शुरू, छरदासर, तार, रतनगढ़, सुजानगढ़, राजासर, सावर, घड़ी, गढ़सीसर के आसपास देखा जाए तो भादासर, लाडसर, इन संपूर्ण क्षेत्रों में आने वाले समय में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ भी होने की संभावना है आने वाले 24 घंटों के अंदर। और पिछले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। झुंझुनू के सिडावा, नवलगढ़, उदयपुरवाटी के आसपास देखा जाए तो संपूर्ण क्षेत्र में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। सीकर के क्षेत्रों में देखा जाए तो फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, श्रीमाधोपुर, नीम का थाना सभी तहसीलों में आने वाले समय में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। हो सकता है ये दो इलाकों में इन क्षेत्रों में सितराई बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिले। जयपुर के फुलेरा, दुदू, फागी, बसी, साक्सू के आसपास मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं और कई कई इलाकों में मौसम जयपुर के आसपास शुष्क भी रह सकता है। बाकी अलवर के आसपास देखा जाए तो बानुसर, मांडू, मुंडवर, तिजारा, किशनगढ़, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, बहरोड़ के आसपास देखा जाए तो इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ आज भी संभव हैं। भरतपुर, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली के आसपास देखा जाए तो इन क्षेत्रों में ज़्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग में आज आपको भारी बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। झालावाड़ के इलाकों में देखा जाए झालरापालर, पटन, अकलेरा, पीड़ावा, मंगाधर के आसपास कहीं की मध्यम से तेज पंचपाड़ के इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। बारा के मंगरोल, किशनगढ़, शाहबाद, अट्रू, शिपा बारोद, सबड़ा के आसपास मध्यम से तेज तो कहीं की भारी बारिश की गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा के क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में ज़्यादातर इलाकों में मौसम बारिश की गतिविधियों के साथ तो कहीं कहीं तेज तो कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के अंदर इन इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर के क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो भारी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के अंदर आपको देखने को मिल सकती हैं।
पाली, चिरोई, जालोर, बाड़मेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में मौसम हल्की खंड सितराई बारिश के साथ कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियों का दौर इन क्षेत्रों में चल सकते हैं, परंतु ज्यादातर इलाकों में इन क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिल सकता है। विशेषकर जालोर के इलाकों में देखा जाए सानोर, सासोर, रानीवाड़ा, भीनमाल, बागोड़ा, आहोर, तकतगढ़, उम्मेदाबाद, मंडावला, नौसर के आसपास मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। पाली के सोजत, जैतारण, रायपुर, शिवगंज, बाली, देसूरी तक मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। बाड़मेर के बायतू, पसपदरा, बालोतरा, सौटन, गुडामालानी, थोरीमेना, गढ़ा रोड, शिव, बायतू, सिंदरी, शिवाना के आसपास आपको खंड बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। जैसलमेर के उत्तरी इलाकों में देखा जाए तो जो पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के इलाकों में मध्यम से तेज तो कहीं की भारी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के अंदर देखने को मिल सकती हैं, जिसमें विशेषकर देखा जाए तनोट माता के आसपास के जिनगढ़, सरकारी तला, बहला, भेरेवाला, अकवाला, बोडाणा, सिनू, नाशना के आसपास मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के अंदर आपको देखने को मिल सकती हैं। जोधपुर शहर के आसपास देखा जाए तो ओसिया, भोपालगढ़, फलोदी, शेरगढ़ के आसपास मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। संपूर्ण राजस्थान में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के अंदर कहीं की हल्की खंड बारिश की गतिविधियाँ तो कहीं की भारी बारिश की गतिविधियाँ दौर चल सकता है। भारी बारिश की गतिविधियों की बात करें तो पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की गतिविधियाँ और पूर्वी जिलों में भी आने वाले 24 घंटों के अंदर भारी बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं, और मध्य राजस्थान में खंड बारिश की गतिविधियों के साथ मौसम ज़्यादातर इलाकों में खंड बारिश के साथ तो कहीं कहीं शुष्क भी रह सकता है। GFS मॉडल के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान के किन किन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। संपूर्ण भारत की बात करें तो मध्य भारत और गुजरात के पूर्वी इलाके और महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में विशेषकर देखा जाए तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में, जोधपुर, अजमेर और कोटा संभाग में मध्यम से तो कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है GFS मॉडल के अनुसार। और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के इलाकों में इन क्षेत्र में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है, हो सकता है इन इलाकों में कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। WRF मॉडल के अनुसार देखा जाए तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में आने वाले 24 घंटों के अंदर आपको मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी दर्शा रहा है, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्तमान देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी से आने वाले नम हवा का प्रभाव काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है, जिस कारण से इन क्षेत्रों में कोई विशेष सिस्टम की जरूरत न होने के कारण भी इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। ऐसा नहीं कि कोई निम्न दबाव या लो प्रेशर एरिया चक्रवाती हवा के कारण ही बारिश की गतिविधियाँ होती हैं, लगातार तेज नम हवाओं का प्रभाव के कारण भी कहीं कहीं मध्यम से तेज कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी आपको देखने को मिल सकती हैं। वर्तमान में देखा जाए तो आज सुबह 7:30 के अनुसार देखा जाए तो किस प्रकार की सैटेलाइट इमेज बनी है। मध्य भारत पर बने लो प्रेशर एरिया के कारण देखा जाए तो मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों में काफ़ी घने बादल बने हुए हैं। उत्तरी राजस्थान के आसपास पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में काफ़ी बादल बने हुए हैं और इन क्षेत्र में भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही हैं। बीकानेर, गंगानगर के इलाकों में देखा जाए तो इन क्षेत्र में सुबह से ही आपको बादलों का दौर देखने को मिल रहा है और मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में जारी हैं। और बंगाल की खाड़ी पर बने लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के कई क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियों के दौर देखने को मिल रहे हैं। और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में देखा जाए तो संपूर्ण भारत में आपको मानसून सक्रिय नजर आ रहा है और मुंबई के आसपास देखा जाए जिन क्षेत्रों में मुंबई में पिछले 72 घंटों से लगातार भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर आज के लिए बस नहीं।